दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे फेसबुक में कोड कैसे लगाएं। तो आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले फेसबुक ऐप को, सॉरी, यहाँ पर चलना है अपने मेनू सेटिंग में, मोबाइल की सेटिंग में, और यहाँ आने के बाद आपको सर्च करेंगे ऐप लॉक, ठीक है। और यहाँ ओपन करने के बाद टर्न ऑन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा पैटर्न का, पैटर्न के जस्ट नीचे या फिर नीचे देखेंगे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पिन वाला या फिर पासवर्ड जो भी लगाना है लगा लीजिएगा। तो मैं पिन में चलता हूँ और मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ 2525, देन नेक्स्ट 2525, फिर कंफर्म किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नहीं मैच हुआ, फिर से मैं बैक होना हो, ओके मैं फिर से करता हूँ। यहाँ पर गया, पिन पे गया और यहाँ पर मैं फिर से कोड डाला, मैंने गलत डाल दिया था कोड, इसलिए नहीं मैच किया था। फिर से ये हो गया, डन हो गया। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर नॉट नाउ पे क्लिक किया और नॉट नाउ फिर क्लिक करने, फिर यहाँ पर नॉट नाउ पे फिर हमको क्लिक कर देंगे। देन अब क्या करना है हमको, यहाँ पर जिसको जिस भी ऐप में आपको कोड लगाना है उसको लगा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं तो बस फेसबुक को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि फेसबुक में बता रहा हूँ, ठीक है। देन यूज़ ऐप लॉक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते हैं। अब लॉक कोड है वो लग चुका है, अब यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। आप देखिए, जब हम फेसबुक ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कोड मांग रहा है, जब तक हम कोड नहीं देंगे तो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद एक चीज़ और, कोड लगा फेसबुक में लगाने का मतलब ये होता है कि जो फेसबुक में यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ये मेनू, मेनू में आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी देता है, सॉरी सेटिंग एंड प्राइवेसी देता है, इसमें आएंगे तो यहाँ पर नीचे देता है कोड जनरेटर, ठीक है ना। तो कई लोग यहाँ पर कोड लगाने की बात समझते हैं, तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे वो बताया तो मैं आपको, इस पर क्लिक किया, ठीक है ना। जब आप पहली बार क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, तो आपको अकाउंट पे एक्टिव पे क्लिक करना है और फिर इंटर की पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 16 अंक का कैरेक्टर यूज़ करना है, जिसमें से अल्फ़ाबेट और अच्छा अंक दोनों होना चाहिए। अल्फ़ाबेट तो ए से जेड के बीच में कोई सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अंक है यानी जो नंबर है वो 2 से 7 के बीच में यूज़ करना है, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई लेटर ले, कोई सा भी ले लीजिएगा, 4, तो मैं लेता हूँ BBB, ठीक है ना। फिर 2, 3, 4, 5, फिर BBB, फिर 2, 3, 4, 5, ये हो चुका है, टोटल 16 अंक हो चुके हैं। बस एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो कोड आपका ये लग चुका है, ठीक है ना। और ये जो कोड है वो हर 1 मिनट बाद चेंज होता रहेगा। अगर आप फेसबुक पर ये यूट्यूब पर जो वीडियो हमारा क्लिक किए, ये सर्च करने के लिए क्लिक किए, तो आप इसको इस तरह से ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आखिर से फ़ायदा क्या है इस कोड से, तो इस कोड की मदद से आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हैकिंग और अनऑथराइज अकाउंट एक्सेस से, ठीक है ना। अगर क्योंकि ये जो अकाउंट जो ये कोड है वो हर 1 मिनट में चेंज होता भी रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह के आप बहुत ही आसानी से फेसबुक में दोनों कोड लगा सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट सी टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।